अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। WTI क्रूड ऑयल के भाव की बात करें तो इसमें 0.80% की बढ़त दर्ज की गई और ये $73.42 प्रति बैरल पर बिका। तो वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में 0.68% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये 78.37% तक पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई, वहीं भारत में इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिला है। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये है तो डीजल की कीमत 89.62 रुपये है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपये है तो डीजल की कीमत 94.27 रुपये है, जबकि कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 106.03 रुपये है तो डीजल की कीमत 92.76 रुपये है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। वहीं चेन्नई में पेट्रोल 102.63 रुपये बिक रहा है तो डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं जयपुर की अगर बात की जाए तो जयपुर में पेट्रोल की कीमत 108.48 रुपये है तो डीजल की कीमत 93.72 रुपये प्रति लीटर है। बता दें कि 21 मई को सरकार ने पेट्रोल डीजल प्राइस पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी। इसके बाद से किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। 21 मई को पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 6 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई थी। उसके बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी आई थी, जिसके बाद देश में पेट्रोल 9.50 रुपये और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया। केंद्र की घोषणा के बाद राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा और केरल सरकार ने भी वैट में कटौती की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।